हे गाइस, वेलकम टू कॉमर्सी पाठशाला। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। एंड आज हम बात करने वाले हैं MCO 1 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वेलकम करना चाहेंगे हमारे दो स्टूडेंट्स को, जो कि हैं अनिशा एंड प्रियंका। सो वेलकम बोथ ऑफ यू। एंड वी आर गोना स्टार्ट द टुडे वी आर गोना स्टार्ट टुडेज टॉपिक, व्हिच इज अबाउट Describe organizational effectiveness, explain different components and determinants of organizational effectiveness। ठीक है, तो क्या इसका मतलब है? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को सबसे पहले तो डिस्क्राइब करना है, और इसके डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स जिससे ये मिल करके बनता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस का मतलब यही है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन कितनी इफेक्टिवली काम कर रही है ना, उसको आप किस तरीके से और इफेक्टिव बना सकते हो, इसके बारे में इस टॉपिक में है। ठीक है ना? सो ओई, अब से मैं ओई बोलूंगा, ठीक है, ताकि थोड़ा इजी हो जाए। ओई रेफर्स टू द एक्सटेंट टू व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू अचीव इट्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एफिशिएंटली। ठीक है, तो किस तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को एफिशिएंटली अचीव कर सकती है, ठीक है ना, उसको हम लोग कहेंगे ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मेजर दैट गोज बियॉन्ड मेयरली लुकिंग एट फाइनेंशियल सक्सेस एंड इंक्लूड्स वेरियस एस्पेक्ट्स फ्रॉम दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द ओवरऑल हेल्थ एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो ये कॉम्प्रिहेंसिव मेजर होता है। यहाँ पे सिर्फ कोई एक चीज चेक नहीं की जा रही है, यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब हो गया कि कंप्लीट एक पैकेज, ठीक है ना, एक कॉम्प्रिहेंसिव मेजर होता है जहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये चेक करने की कोशिश नहीं करते कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कितना फाइनेंशियली सक्सेसफुल है, बल्कि हम लोग उसके वेरियस एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसका ओवरऑल हेल्थ कैसा है, बिजनेस किस तरीके से काम कर रहा है, उनका परफॉर्मेंस कैसा है एट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। डेफिनेटली एन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ओनली फोकसिंग ऑन ओनली वन प्रोजेक्ट, दे आर फोकसिंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट। सो व्हाइल दे आर फोकसिंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो दैट वेदर दे आर गेट देयर डिजायर्ड आउटपुट ऑन ईच प्रोजेक्ट और नॉट। अगर एक प्रोजेक्ट से आ रहा है अच्छा आउटपुट, दूसरे से नहीं आ रहा है, इसका मतलब उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा। यू विल हैव टू चेक ऑल अदर प्रोजेक्ट दैट दे आर इंडल्ज इन, ताकि उनका जो है ओवरऑल जो है कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया जो है आपको पता चल पाए कि बिजनेस जो है वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितना इफेक्टिवली या फिर एफिशिएंटली काम कर पा रहा है। ठीक है, ओके, देयर इज वन थिंग आई वुड लाइक टू से टू एवरीबॉडी कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है, बिकॉज अगर आपको इस तरह की वीडियोस चाहिए यूजफुल, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन दबाना पड़ेगा, ताकि आपको सारी की सारी चीजों की जानकारी जो है आपको मिल पाए, है ना, वेदर इट इज रिलेटेड टू योर दीज काइंड ऑफ वीडियोस और एनी अपडेट्स रिगार्डिंग इग्नोर वट एवर, वो सारी की सारी जानकारी जो है आपको यूट्यूब पे ही मिल जाती है। एंड वी हैव अ ग्रुप एज वेल, इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू ज्वाइन दैट ग्रुप, यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप मी अबाउट दैट ग्रुप, सो आई विल लेट यू नो अबाउट दैट। ओके, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। या सो वेयर वी वेयर ओवरऑल हेल्थ एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? सो डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड डिटरमिनेंट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिफाइनिंग एंड असेसिंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, डिटरमिनेंट्स हैं, जो कि एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं कि हम पता कर सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम कर रही है, उनका इफेक्टिवनेस कैसा है, उसको चेक करने के लिए डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स एंड डिफरेंट डिटरमिनेंट्स होते हैं, और उन्हीं को हम एक एक करके अभी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है गोल अटेनमेंट, ठीक है, बुलेट पॉइंट, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। सो द डिग्री टू विच द ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज आर अलाइंड विद इट्स स्ट्रेटेजिक गोल्स। ठीक है, सो देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई अपना गोल होता है जिसको वो लोग अचीव करना चाहते हैं। द गोल कैन बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, बट दे ऑलवेज हैव अ गोल दैट दे वॉन्ट टू अचीव, दैट दे वॉन्ट टू गेट टू, राइट? सो किस डिग्री तक, है ना, द डिग्री टू विच द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज आर अलाइन। जब आप अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को डिफाइन कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो आपकी एक्टिविटीज हैं, वो उसके साथ अलाइन करनी चाहिए। अलाइन एज इन आपका जो मोटिव है वो आपके बिजनेस के मोटिव के साथ सेम होना चाहिए। अगर आप अपने रिसोर्सेज को ठीक तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हो अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेटेजिक गोल्स, अकॉर्डिंग टू द गोल्स दैट यू वांट टू अचीव, देन दैट इज यूजफुल, वो बेकार हो जाएगा, एक तरीके से यूजफुल नहीं होगा, सॉरी, बेकार हो जाएगा, उसका जो यूजफुलनेस है वो बेकार हो जाएगा, राइट? सो आपको अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज करना होगा, ताकि जो आपका स्ट्रेटेजिक गोल्स है उसको आप अचीव कर सकें। ठीक है, दूसरा बुलेट पॉइंट है इसमें ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट, है ना, द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस इन मीटिंग इट्स प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स। अब यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई है अपने प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को पाने में।
प्रीडिटरमाइंड एज इन जो चीजें पहले से डिटरमाइंड है कि ये चीजें हम लोगों को अचीव करनी है, तो उसको पाने में अगर वो लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, इसका मतलब यू नो दे आर वर्किंग गुड, दे आर वर्किंग वेल, राइट? सो ये हो गया. दूसरा है, सो गोल अटेनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट. सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इज रिसोर्स यूटिलाइजेशन. आपका जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उसका यूटिलाइजेशन आप किस तरीके से कर रहे हो, राइट? बिकॉज समटाइम्स वी हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज बट वी कांट यूटिलाइज इट, एंड देयर फॉर यू वॉन्ट बी एबल टू टेक योर कंपनी टू अ नेक्स्ट लेवल और अनदर लेवल, राइट? सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू इफ यू डोंट यूटिलाइज योर रिसोर्सेज दैट यू हैव. बट समटाइम्स वी सी दैट अ कंपनी हु इज नॉट हैविंग टू मच रिसोर्सेज बट दे नो दैट हाउ टू यू नो यूटिलाइज दोज रिसोर्सेज. कम कम खर्चे में कैसे आप एक अच्छा यू नो टूर अरेंज कर सकते हो. कई बार पैसे आपके पास बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन आपको टूर में मजा नहीं आता क्योंकि आपने आपका जो रिसोर्सेज है, जो पैसा है आपके पास, उसको आपने ठीक तरीके से यूज नहीं किया है ना. जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, वेदर इट इज कैश और वेदर इट इज ह्यूमन रिसोर्सेज और वट एवर यू हैव, सो यू विल हैव टू यूटिलाइज इट प्रॉपरली सो दैट यू कुड गेट मैक्सिमम आउटपुट, यू कैन गेट मैक्सिमम क्या कहते हैं उसको, जो आपका पोटेंशियल है वो आपको उसे अचीव कर पाओ, राइट? सो वो बहुत जरूरी है. सो एफिशिएंसी इज द फर्स्ट बुलेट पॉइंट. हाउ वेल द ऑर्गेनाइजेशन यूटिलाइजेस इट्स रिसोर्सेज टू अचीव इट्स गोल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. एफिशिएंसी होनी चाहिए. प्रोडक्टिविटी भी, अगर आपका प्रोडक्टिविटी अच्छा होगा वो भी रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको यूटिलाइज कर रहे हो. सो द आउटपुट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ इनपुट रिफ्लेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू जनरेट वैल्यू, है ना? अब देखो, आपने एक एक वर्ड सुना होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल. जब आप कोई एक प्रोडक्ट को बनाते हो तो उसमें उसको बनाने के बाद जो चीजें आपके पास बच जाती हैं उसका आप दोबारा यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाना था. बट सपोज इफ यू वांट टू मेक 100 ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द सेम प्रोडक्ट, ऑब्वियसली अ सिंगल प्रोडक्ट यू वांट टू मेक 100 कॉपीज और यूनिट्स, व्हाट एवर यू से. सो अगर आपको 100 टाइम्स एक ही प्रोडक्ट को बनाना है तो जो पहले प्रोडक्ट में जो भी जो रेसिडुअल बच गया था आप उसका इस्तेमाल दूसरे वाले प्रोडक्ट में कर सकते हो, है ना? तो आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल यहाँ पे निकल करके आता है. मतलब जो 100 प्रोडक्ट्स को बनाने में जो आपका खर्च पड़ता वो आपको 80 या 70 प्रोडक्ट्स को बनाने में भी आपको सेम वही प्रोडक्ट पड़ेगा क्योंकि आपने ज्यादा प्रोडक्ट्स को बनाया है ना. सो प्रोडक्टिविटी भी बहुत हद तक इन्फ्लुएंस होती है अगर आप अपने रिसोर्सेज को ठीक तरीके से यूटिलाइज करते हो. तो थर्ड पॉइंट टॉक्स अबाउट अडेप्टेबिलिटी एंड इनोवेशन. दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कितना जल्दी अडेप्ट कर ले रही है अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिनेरियो दैट दे आर वर्किंग इन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर वो अडेप्ट नहीं कर पाएंगे तो वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, है ना? जो भी प्रेजेंट सिनारियो है, जो भी प्रेजेंट एनवायरमेंट इसके अंदर वो लोग काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करना बहुत जरूरी है. एवरी डे इज नॉट यू नो अ केक वॉक, एवरी डे इज नॉट अ केक वॉक. हर दिन आपको आपका दिन अच्छा बीतेगा, आप अच्छे से सारा काम कर लोगे, जरूरी नहीं है. देयर विल बी टफ टाइम्स, देयर विल बी गुड टाइम्स. तो यू विल हैव टू यू नो अडेप्ट योरसेल्फ ताकि आप अपने बैड टाइम्स में चीजों को ठीक तरीके से कर पाओ. अडेप्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो द ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल डायनामिक्स, यू विल हैव टू अडेप्ट टू दीज टू थिंग्स. नाउ वी टॉक अबाउट इनोवेशन. सो द अबिलिटी टू जनरेट एंड इम्प्लीमेंट न्यू आइडियाज, प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस टू स्टे कॉम्पिटेटिव. सो इफ यू वॉन्ट टू बी कॉम्पिटेटिव इन एनी मार्केट यू विल हैव टू बी इनोवेटिव. अगर आप सेम घिसी पिटी चीजें हमेशा करते रहोगे तो आपका आपका जो है जो आपको आउटकम मिलना चाहिए वो आपको मिल नहीं पाएगा. आपको चीजों को डिफरेंट तरीके से करना होगा, इनोवेटिव तरीके से करना होगा ताकि आपको जो है प्रॉपर आउटपुट मिल पाए, प्रॉपर आपका जो बिजनेस है वो कॉम्पिटेटिव रहे, है ना? वी ऑलवेज सी दैट द जायंट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आर रिलीजिंग देयर मोबाइल्स इन एवरी लाइक 3 to 4 months. हर 3 4 महीने में उनका कोई ना कोई नया फोन आ रहा होता है विथ डिफरेंट यू नो फीचर्स एंड विथ डिफरेंट टेक्निक्स जो भी वो लोग यूज करते हैं. सो वाई दे डू इट, बिकॉज देखो फोन पे बात तो सभी को करनी है, सारे फोन में बातचीत हो रही है लेकिन कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फीचर्स डाल करके ये लोग हर 3 4 महीने में फोन को लॉन्च करते रहते हैं क्योंकि ये लोग बताते हैं कि वी आर वेरी इनोवेटिव, वी हैव इनोवेटेड दिस. अभी जैसे ए आई का जमाना है ना, ए आई इज लाइक एवरीवेयर. सो दैट इज हाउ दे आर बींग वेरी इनोवेटिव एंड दैट इज व्हाट्स मेकिंग देयर कंपनी अ बिग कंपनी, है ना? वो इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड वेल बीइंग. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कितना इफेक्टिव है वो आप पता कर सकते हो ये चेक करके कि उसका जॉब सेटिस्फेक्शन कैसा है, मतलब लोगों को वहां काम करके मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उनके लोगों जो लोग वहां काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनका वेलबींग कैसा है,
वो लोग अच्छे हेल्थ में नहीं है, क्योंकि अगर टॉक्सिक एनवायरनमेंट होगा वो लोग ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, उनका जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल एकदम लो होगा, राइट? सो दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट दैट मेक्स अ कंपनी, दैट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन अ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? सो जॉब सेटिस्फेक्शन, द कंटेंटमेंट एंड फुलफिलमेंट इंप्लॉइज डिराइव्स फ्रॉम देयर वर्क, है ना? उनको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट? वेल बींग, द ओवरऑल हेल्थ सेफ्टी एंड वर्क लाइफ बैलेंस एक्सपीरियंस बाय एम्प्लॉइज, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट. नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन. जो भी स्टेक होल्डर्स है, एक कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है, जिसकी कंपनी है उसका इंटरेस्ट है, एम्प्लॉइज का इंटरेस्ट है, दोज हु हैव इन्वेस्टेड इन दोज कंपनीज दे हैव अ डिफरेंट इंटरेस्ट, है ना? द गवर्नमेंट हैव डिफरेंट इंटरेस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू यू नो चार्ज यू टैक्सेस, उनको टैक्स चाहिए इसलिए उनका इंटरेस्ट है. सो बहुत सारे स्टेक होल्डर होते हैं जिनका इंटरेस्ट आपकी कंपनी में होता है, तो बी द कस्टमर और एनी अदर यू नो स्टेक होल्डर. सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज फार मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज अगर आप अगर अपने कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, यू वॉन्ट बी एबल टू सेल योर प्रोडक्ट, यू वॉन्ट बी एबल टू यू नो गेट द मैक्सिमम आउटपुट, यू वॉन्ट बी एबल टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, बिकॉज यू वॉन्ट बी एबल टू सेटिस्फाई योर कस्टमर. So satisfying a customer is very important if you want to grow your business, right? So the degree to which the organization meets or exceeds customer expectations, ये बहुत जरूरी है और ये बहुत बड़ा एक component है stakeholder satisfaction में. So customer is one of the major stakeholder. Okay. Now the second point is community and social impact. So the impact or effect that your company is putting on the social environment, the environment they are working in. इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर उनका इम्पैक्ट आपके सोशल एनवायरमेंट में बहुत अच्छा है, आपकी कंपनी बहुत अच्छा ग्रो करेगी. सपोज इफ यू आर मेकिंग अ प्रोडक्ट विच इज वेरी इको फ्रेंडली और यू नो ग्रीन इन नेचर, सो दैट विल इम्पैक्ट द सोसाइटी दैट. इससे क्या होगा कि जो सोसाइटी वाले लोग होंगे वो लोग एनकरेज होंगे कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदें, राइट? बिकॉज इससे उनको जो है एक वैल्यू मिलेगा, उनको लगेगा कि नहीं, इससे सोसाइटी का भी नुकसान नहीं है, हमारा भी नुकसान नहीं है, और हमारा जो जो डिमांड है, जो हमारा यूटिलाइज है, जो हम करना चाह रहे हैं इस प्रोडक्ट को लेकर के, वो भी हो जा रहा है, ठीक है? तो सोशल इम्पैक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वेलबींग ऑफ द ब्रॉडर कम्युनिटी एंड सोसाइटी, दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर, दैट इज ऑल्सो अ कॉम्पोनेंट विच डिसाइड्स दैट वेदर अ ऑर्गेनाइजेशन इज इफेक्टिव और नॉट, ठीक है? सिक्स्थ पॉइंट, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, ठीक है? सो वर्क बेस्ड कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि मैंने आपको बताया, कल्चर जो है वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए. बंदे सारे लोग बहुत आराम से बैठ करके काम कर रहे हैं, एंड दे आर हैविंग नो प्रॉब्लम एंड दे हैव गुड कम्युनिकेशन बिटवीन देम. दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कल्चर दैट नीड टू बी प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी इफेक्टिव, ठीक है? सो द वैल्यूज, बिलीव्स एंड नॉर्म्स दैट शेप द वर्क एनवायरमेंट, दीज आर द थिंग्स विच क्रिएट अ वर्क कल्चर, है ना? एम्प्लॉय एंगेजमेंट, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा तो एंगेजमेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा. सो ओके, सो द लेवल ऑफ कमिटमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट एम्प्लॉइज हैव इन देयर वर्क एंड द ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है ये चेक करने का कि आपका ऑर्गेनाइजेशन वो कितना इफेक्टिव है. ओके, नाउ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, है ना? ऐसे कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स है? देखो दोनों तकरीबन सेम है, कॉम्पोनेंट्स डिटर्मिनेंट्स आर, यू कैन से दैट दीज आर वेरी कोरिलेटेड. थोड़ा डिफरेंस है बट एग्जाम में दोनों में से कोई एक पूछेगा या तो दोनों पूछ देगा. आपको बस पॉइंट्स याद रखना है. अगर आपको पॉइंट्स याद है आप आराम से आंसर लिख लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है? सो डिटरमिनेंट्स में लीडरशिप, डिटरमिनेंट्स इज लाइक आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या चीजें होनी जरूरी है. पहला वाला है जो अभी हम लोगों ने किया, कॉम्पोनेंट्स इज लाइक कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इफेक्टिव है तो उस होने के पीछे क्या क्या रीजन होता है, ये सारा, है ना? मतलब उसके आफ्टर आफ्टरवर्ड्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इफेक्टिव होगा तो ये सारा हम लोग को पॉइंट्स देखने को मिलेगा कि हर चीज बहुत बढ़िया बढ़िया होगा. लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर इफेक्टिव बनाना है तो वो उसके लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए होगा, है ना? वो हम लोग अभी करेंगे डिटरमिनेंट्स में. सबसे पहला है लीडरशिप. सो लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. अ कंपनी इज एज गुड एज इट्स लीडर, ये डायलॉग पता नहीं है कि नहीं है, मेरा डायलॉग है, ठीक है? तो एक कंपनी उतनी अच्छी है जितना अच्छा उसका लीडर है. ओके, सो विजन एंड डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ लीडर हैव ऑलवेज, है ना? एक लीडर के पास ये विजन एंड डायरेक्शन होता है. ओके, एक्सक्यूज मी, सो या इफेक्टिव लीडर्स प्रोवाइड अ क्लियर विजन एंड डायरेक्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? सो इफेक्टिव लीडर जो होता है वो आपको एक क्लियर विजन और डायरेक्शन प्रोवाइड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को और बड़ा बनाता है. दूसरा पॉइंट है इसी में डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इन एनी लीडर इज वेरी इंपॉर्टेंट.
Because if you are not taking right decision at the right time, your organization won't enhance और वो ग्रो नहीं कर पाएगा, राइट? सही टाइम पे सही डिसीजन लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो एन ऑर्गेनाइजेशन. तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर स्ट्रक्चर, सॉरी, ये हम लोगों ने ऑलरेडी किया था. कल्चर एंड स्ट्रक्चर आर वेरी कोरिलेटेड, ठीक है? उसका स्ट्रक्चर जो है उसके कल्चर के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है ना. सो स्ट्रक्चर इज लाइक जो चेन ऑफ कमांड है, कि जो ऊपर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले जो बंदे हैं वो जो कह रहे हैं वो नीचे वाले लोग जो है उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, है ना. क्लैरिटी ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हर बंदे को पता है कि उनका क्या रोल है और क्या क्या उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है. सो ये चीज जो है वो पता होनी चाहिए कि मैं एज ए मैनेजर मेरा क्या रोल है एंड व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आई हैव दैट आई नीड टू फुलफिल, राइट. सो एवरी पर्सन हु इज वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली एट अ हायर लेवल, दे नीड टू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट देयर रोल्स एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ओके, सो अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर दैट क्लियरली आउटलाइंस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉस्टर एफिशिएंसी, है ना. अगर एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा जिसमें हर एक बंदे को पता होगा कि उसका क्या रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो बहुत ही इफिशियंटली काम को कर पाएगा. ओके, सेकंड पॉइंट इन द सेकंड पॉइंट, सेकंड बुलेट पॉइंट इन द सेकंड पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी. सो फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोगों ने ऑलरेडी किया अडेप्टेबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी इज सेम, आपको जो अडेप्ट करना पड़ेगा एज पर द रिसेंट सिचुएशन दैट यू आर एनकाउंटरिंग इन योर बिजनेस, है ना. जो भी बिजनेस सिचुएशन आप एनकाउंटर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपको खुद को अडेप्ट करना, फ्लेक्सिबल बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इट इज ऑल्सो हैविंग टू पॉइंट्स. फर्स्ट वन इज वैल्यू एंड बिलीव्स. सो द शेयर्ड वैल्यू एंड बिलीव्स दैट गाइड बिहेवियर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. देखो, एक बंदे का एक आइडिया है, दूसरे बंदे का डिफरेंट आइडिया है. अलग अलग टॉपिक पे डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज हो सकते हैं, बट आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर गोल है जिसको वो अचीव करना चाहती है. तो एवरीबडी हु इज वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नीड टू शेयर दोज आइडियाज, नीड टू शेयर दोज गोल्स, ताकि सबको पता रहे कि हमारा ये गोल है, तभी तो वो लोग उसके अकॉर्डिंग काम कर पाएंगे, राइट. सो द शेयर्ड वैल्यूज एंड बिलीव्स दैट गाइड बिहेवियर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड इज कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इवन घर में भी. अगर घर को भी सही तरीके से चलना है ना, हमारा एक बेसिक लेवल हम लोग बात करें तो घर पे भी अगर हमारा कम्युनिकेशन ठीक तरीके से नहीं रहेगा तो घर में भी केओस देखने को मिलता है. सो कम्युनिकेशन इन एवरीवेयर इज वेरी रेलेवेंट. कम्युनिकेशन इज वेरी रेलेवेंट इन एवरीवेयर. अगर मिसकम्युनिकेशन होगा तो हर एक चीज इधर उधर की हो सकती है ना. तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओपन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन कॉन्ट्रीब्यूट टू अ हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ठीक है. फोर्थ वन इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज टॉपिक्स अर्लियर, ऊपर में हम लोगों ने किया था ये, है ना. यहाँ पे एचआर की बात की जा रही है स्पेशली, वहां पे हम लोगों ने रिसोर्सेज के बारे में बात किया था. सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग, सो यू विल हैव टू रिक्रूट एवरी बेटर पर्सन, है ना. हाँ, देखना हर साल कंपनी जो है नए नए बंदों को रिक्रूट करती है बिकॉज दे हैव डिफरेंट आइडियाज, दे हैव डिफरेंट वैल्यूज, दे हैव डिफरेंट लेवल ऑफ एंथुसियाज्म रिगार्डिंग एनी वर्क, है ना. हर एक चीज उनका जो है अलग अलग होता है, अच्छा एंथुजियास्टिक लेवल होता है. तो वो लोग नए नए बंदों को रिक्रूट करते हैं और जिन जो ऑलरेडी रिक्रूटेड है एंड दोज हु आर वर्किंग ऑलरेडी दे नीड टू ट्रेन देम एज वेल. तो द ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज फोकस ऑन ट्रेनिंग देयर एम्प्लॉइज सो दैट दे कुड मीट द रिसेंट चेंजेस, दे कुड अडैप्ट टू द रिसेंट चेंजेस दैट इज हैपनिंग अराउंड. वो उसके अकॉर्डिंग भी करना जरूरी है. अभी देखो जैसे एआई आ गया, अब कोई बंदा अगर एआई में ट्रेंड नहीं है तो वो ट्रेडिशनल तरीके से सारे काम को करेगा तो वो ठीक तरीके से कर नहीं पाएगा, वो इफिशियंटली कर नहीं पाएगा. हिज वर्क विल बी वेरी स्लो. सो टू बी वेरी इफेक्टिव, टू बी वेरी फास्ट, ही नीड्स टू बी ट्रेन, राइट. एंड द ऑर्गेनाइजेशन डज इट. जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ये काम करता है ट्रेनिंग वाला. इम्प्लॉय रिलेशन, इम्प्लॉय के साथ रिलेशन होना बहुत जरूरी है. एक अच्छा रिलेशन होना बहुत जरूरी है बिकॉज अगर बंदे खफा रहेंगे, नाराज रहेंगे, तो आपका बिजनेस ठीक तरीके से चल नहीं पाएगा, है ना. फिफ्थ पॉइंट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन. We already did this topic, है ना. कंपोनेंट्स में हम लोगों ने किया था. सो टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है, राइट. सो द ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू लेवरेज टेक्नोलॉजी टू इनहांस एफिशिएंसी. अब देखो कोई एक मशीन है जो कि एक टाइम पे सपोज 10 प्रोडक्ट को बना रही है, बट सपोज नाउ यू हैव इंस्टॉल्ड अ डिफरेंट मशीन विच इज मेकिंग 20 और 30 प्रोडक्ट्स इन एन आवर. पहले पहले वाला मशीन जो है वो 1 घंटे में 10 ही बना रहा था, अब वाला जो मशीन है वो 1 घंटे में 20 या 30 बना रहा है.
आप समझ रहे हो। सो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर सही होना जरूरी है ताकि आपका एफिशिएंसी, जो वर्क एफिशिएंसी है, वो बढ़ जाए, राइट। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इनोवेशन प्रैक्टिसेस, ये तो होना ही चाहिए। इनोवेशन तभी होगा, तभी तो आपका टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो पाएगा ना। इनोवेशन से ही वो मशीन बेहतर मशीन बनेगी, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा आपका जो वर्क एफिशिएंसी है उसको आप बढ़ा पाओगे। सो इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्स पॉइंट इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ओके, मार्केट डायनामिक्स, अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्डिंग टू चेंजेस इन द मार्केट। सो व्हाट एवर चेंजेस इन द मार्केट, यू विल हैव टू बी वेरी अडेप्टेबल। अडेप्टेबिलिटी की यहाँ पे बात की जा रही है। मार्केट डायनामिक्स का मतलब होता है कि मार्केट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको आपको समझना होगा, एंड बाय अंडरस्टैंडिंग दोज डायनामिक्स यू विल हैव टू टेक डिसीजंस, यू विल हैव टू डू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, सो दैट यू कुड कम्पीट विद अदर कंपनीज एज वेल। बिकॉज जो बड़ी कंपनीज होती है ना, वो बहुत ही जल्दी उन डायनामिक्स के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर लेती है, पर छोटी कंपनीज को थोड़ा टाइम लगता है। तो वो टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए आपको तुरंत उन चीजों को समझना पड़ेगा, एंड यू विल हैव टू बी वेरी अडेप्टेबल, एंड यू विल हैव टू चेंज योर वर्किंग एक्टिविटीज एज पर द मार्केट डायनामिक्स। ठीक है, रेगुलेटरी कंप्लायंस, अधेरेंस टू लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, जो भी लीगल चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कंप्लायंस करते हुए चलना पड़े। कंप्लायंस इज लाइक यू विल हैव टू एग्री टू द लीगल एस्पेक्ट्स दैट यू आर एनकाउंटरिंग। एक बिजनेस को चलाने के लिए लीगली भी बहुत चीजें करनी पड़ती हैं, तो जो भी लीगल एस्पेक्ट्स है आपको उसको मान के चलना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको काम को करना पड़ेगा। सो दीज आर द एक्सटर्नल एनवायरमेंट डिटरमिनेंट्स व्हिच मेक्स ऑपरेशन इफेक्टिव। सेवेंथ पॉइंट इज, सेवेंथ एंड द लास्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो बजटिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड बुलेट पॉइंट इज प्रॉफिटेबिलिटी, अचीविंग सस्टेनेबल प्रॉफिट्स एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये तभी हो पाएगा जब आपका ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली काम कर पाएगा। ठीक है, सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट विच मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव। नाउ द कंक्लूजन, वी विल हैव टू टॉक अबाउट द कंक्लूजन एज वेल। ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट, जैसा कि मैंने बताया ये एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, हमेशा चेंज होते रहता है। यू विल हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल, राइट, दैट रिक्वायर्स ऑनगोइंग असेसमेंट, जहां पे ऑनगोइंग असेसमेंट का होना जरूरी है, एंड अडेप्टेशन टू इंश्योर सस्टेन्ड सक्सेस इन रैपिडली चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, जो भी चेंजेस आपके बिजनेस इन्वायरमेंट में हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको खुद को अडेप्ट करना पड़ेगा, ताकि आप अपने बिजनेस को सस्टेन कर पाओ और कॉम्पिटिटिव रह पाओ, राइट। अगर आप चेंजेस नहीं करोगे तो आप कॉम्पिटेटिव मार्केट में नहीं रहोगे, कोई और बंदा कम प्राइसेस में सेम प्रोडक्ट बेच के निकल जाएगा तो आपका तो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। यू विल हैव टू बी यू विल बी आउट ऑफ द मार्केट एज सून, वेरी सून, राइट। यू विल हैव टू अडैप्ट टू दोस सिचुएशंस, नहीं तो आप मार्केट से बाहर आराम से हो जाओगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू बैलेंस एंड इंटीग्रेट दीज कॉम्पोनेंट्स एंड डिटरमिनेंट्स टू अचीव अ होलिस्टिक एंड एंड्योरिंग इफेक्टिवनेस। ठीक है, थोड़े टफ टफ वर्ड्स का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, बट बात वही बोली गई है कि होलिस्टिक एंड एंड्योरिंग इफेक्टिवनेस का इस्तेमाल करना है। जो होलिस्टिक का मतलब हो गया कॉम्प्रिहेंसिव, है ना, हर एक लेवल पे आपको जो है बेहतर बनना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सारी चीजों के बीच में एक अच्छा बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा, कॉम्पोनेंट्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ताकि एक चीज बेहतर हो तो दूसरा चीज भी बेहतर हो जाए, है ना, ताकि आपका होलिस्टिक एंड एंड्योरिंग इफेक्टिवनेस आपको देखने को मिले आपके ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक दैट वी नीड टू डिस्कस एंड वी डिड इट। सो आई होप समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। प्रियंका, डू यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक? नो सर, ओके, सो आई हैव ऑलरेडी गिवन यू दैट पीडीएफ ना, सो यू विल हैव टू स्टडी फ्रॉम दैट पीडीएफ। जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप मुझे बता सकते हो, बट अपने लेवल पे थोड़ा बहुत करके जो स्टडी करना है, एंड एज फार एज ऑनलाइन क्लासेस आर कंसर्न, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो मुझे लगेगा एग्जाम में आ सकते हैं, वी विल डिस्कस दोस क्वेश्चंस। ओके ओके, ओके प्रिया, सो प्रिया और प्रियंका, इज इट प्रिया ना? ये हाँ, यस सर, ओके ओके ठीक है प्रिया, देन ठीक है, ठीक विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास व्हिच इज गोइंग टू बी हैपनिंग ऑन टुमारो, कल हो रहा होगा, कल होगा। सो वी विल है, मीट एट द सेम टाइम, 8 बजे हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। और ये जो वीडियो मैंने अभी बनाया है, इट इज अ रिकॉर्डेड वीडियो, सो आई विल अपलोड इट ऑन यूट्यूब एंड आई विल शेयर इट विद यू। ओके, ओके सर, आप इसको दोबारा भी कर पाओगे, और ये मेंबर्स ओनली वीडियोज होगा जो कि यूट्यूब में सिर्फ मेंबर्स के लिए अवेलेबल होगा। ओ नहीं, तो फिर तो आप ही नहीं देख पाओगे। मैं इसको फिलहाल फ्री रखूंगा, बट बाद में ये मेंबर्स ओनली वीडियो हो जाएगा, ठीक है, ताकि आप देख लो एक बार, समझ लो इसको, ठीक है। ओके मतलब समझी नहीं सर, ये क्या बोल रहे हैं? हेलो, थोड़ा डिफरेंट बात मैंने कर दी। हम लोग का ना यूट्यूब पे एक प्रोग्राम चलता है,
जहाँ पे वी प्रोवाइड मेंबरशिप टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जो ये ऑनलाइन जो लेक्चर्स होते हैं ना, ये हम लोग वहां पे चार्जेबल, यूट्यूब पे चार्जेबल है ये, राइट। अच्छा। बट अभी अभी कुछ टाइम के लिए फ्री रहेगा ताकि आप अपना वॉच करके समझ लो, है ना। फिर ये बाद में चार्जेबल हो जाएगा, नॉट फॉर यू बट एवरीबडी एल्स जो कि हमारे ग्रुप के मेंबर नहीं होंगे उनके लिए, ठीक है। और आपके पास तो पीडीएफ है, यू कैन स्टडी एनी वेयर एनी टाइम, ओके। हाँ, पीडीएफ है तो मैं। ठीक है देन, ओके देन प्रिया, सो वी विल मीट टुमारो, टिल देन ओके बाय सर, बाय, ओके। टेक केयर। या टेक केयर। गुड नाइट सर।